हेलो दोस्तों, एच जी एम बाई गार्ड में आपका स्वागत है। और स्टूडेंट, हमने प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन लिया है और स्टूडेंट जो बहुत बोर्ड में बहुत ज्यादा उसकी संभावना आने की बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको मिस मत करना। और स्टूडेंट जो हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को रिप्रेस करें और इस वीडियो को स्टूडेंट लास्ट तक देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलो देखो स्टूडेंट, एक्स प्लस तीन वाई बराबर छह और दो एक्स माइनस तीन वाई बराबर बारह, यानी स्टूडेंट हमने एक निम्न समीकरण योग लिया है जिसको हम स्टूडेंट प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो हम स्टूडेंट यहां से शुरू करते हैं। ये समीकरण नंबर एक है, ये समीकरण नंबर इसमें दो। देखो, प्रतिस्थापन का मतलब होता है स्टूडेंट कि एक किसी वस्तु एक चीज को उठाकर दूसरी जगह रख देना, वो प्रतिस्थापन कहलाता है। यानी यहां पर स्टूडेंट हम एक्स और वाई के मानों को प्रतिस्थापित करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिस्थापित करेंगे। तो देखो, इसमें स्टूडेंट हम चाहे एक्स का मान निकाल लो चाहे वाई का निकाल लो। तो स्टूडेंट हमने यहां से समीकरण एक लिया है, समीकरण नंबर एक, समीकरण एक से, जिससे समीकरण एक से हम स्टूडेंट इसमें एक्स का मान निकाल लेंगे चाहे वाई का निकालो चाहे एक्स का। देखो, एक्स प्लस तीन वाई बराबर छह, ठीक है। देखो स्टूडेंट, अब हम एक्स की हमें वैल्यू चाहिए तो थ्री वाई को पक्षांतर कर देंगे उस तरफ, तो एक्स बराबर हो जाएगा बेटा सिक्स माइनस थ्री वाई। किसका पक्षांतर किया है? केवल तीन वाई का। और जिसका हम पक्षांतर करें केवल उसी का साइन बदलेगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, तो ये इसको हम डाल देते हैं समीकरण नंबर तीसरा। अब देखो स्टूडेंट, ये एक्स का मान उठाकर यदि यहां से एक्स का मान लेकर समीकरण नंबर दो में रख देंगे, समीकरण एक में नहीं रखना है। ध्यान दें स्टूडेंट आप, कि समीकरण आपको एक में नहीं रखना है क्योंकि आपने एक से ही निकाला है, ये गलती मत करिएगा। बिल्कुल, समीकरण हम दो में रखेंगे। देखो स्टूडेंट, आप देखो समीकरण नंबर दो से एक्स का मान समीकरण दो में रखने पर, किसमें रखने पर? समीकरण दो में रखने पर। देखो अब क्या करना है, समीकरण नंबर दो क्या देखिए, यहां पर देखिए, दो एक्स माइनस का तीन वाई बराबर बारह। अब देखो, अब यहां पर देखो बेटा, एक्स का मान कितना है? सिक्स माइनस थ्री वाई। जहां स्टूडेंट एक्स लिखा है वहां हमें कितना रखना है? सिक्स माइनस थ्री वाई, यानी देखो टू एक्स सिक्स माइनस थ्री वाई माइनस का कितना हो जाएगा बेटा? थ्री वाई बराबर कितना हो जाएगा? बारह। ये गुणा में लिखा है बेटा, ये टू एक्स का मतलब टू मल्टीपल एक्स होता है। अब देखो, ये भी मल्टीपल में है यहां। अब देखो क्या करना है, देखो इसको बहुत बारीकी से देखें आप। देखो इसमें क्या करना है बेटा, टू का मल्टीपल सिक्स में करना है पहले, फिर टू का किस में करना है? थ्री का। तो मल्टीपल का नियम बता देता हूं, जैसे ए का मल्टीपल बी प्लस सी दिया है, तो ए का मल्टीपल पहले आप बी से करो, फिर ए का किसके साथ करना पड़ेगा बेटा आपको? सी के साथ। ये कंडीशन बनेगी आपकी। तो देखो यहां, टू का मैंने बेटा सिक्स में किया तो टू सिक्स जब क्या हो गया, ट्वेल्व हो गया, माइनस टू का हमने थ्री में किया तो कितना हो गया? टू थ्री जा सिक्स, यानी छह वाई हो गया। माइनस कितना है बेटा? थ्री वाई बराबर है बेटा आपका बारह, ठीक है। देखो आगे देखेंगे, बारह माइनस सिक्स वाई और थ्री वाई कितने हो गए यहां पर? नाइन वाई। माइनस माइनस के प्लस हो जाएंगे यहां। देखो एक जैसे साइन है लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, बराबर कितना हो जाएगा? बारह। अब हम क्या करेंगे, देखो इधर बारह माइनस नाइन वाई बराबर बारह है। अब देखो स्टूडेंट, हमें वाई का मान चाहिए यहां से, किसका? वाई का मान चाहिए, तो हम स्टूडेंट बारह को पक्षांतर कर देंगे राइट साइड में। अब देखो क्या होगा यहां से, यहां से स्टूडेंट देखो हम यहां लिख देते हैं इसको। तो देखो इधर माइनस का नाइन वाई बराबर बारह माइनस बारह, हमने पक्षांतर किसका किया है?
12 लिखेंगे यहां 12 का पक्षांतर कर लेंगे। देखिए अब देखो यहां हो गया 9y बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है अब देखो यहां 12 में से 12 घटाएं 0 बचेगा। आप देखो यहां से y का मान चाहिए किसमें हम क्या करेंगे 0 अपॉन -9 लिखेंगे यहां पर ये मल्टीपल में है तो डिवाइड में हो जाएगा यहां पर। अब देखो क्या होगा यदि हम 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं किसी संख्या का 0 में भाग देते हैं तो क्या आता है इसमें 0 यानी y का मान कितना आ गया 0 y का मान क्या आया 0। अब देखो इसमें y का मान जो 0 आया है ना इसको उठाकर इसमें y का मान जो 0 है इस 0 को समीकरण नंबर 3 में रख देना है यानी y का मान कितना है 0 हड़बड़ी नहीं मचाना है y बराबर कितना है 0 तो जो y का मान उठा के हमें रख देना है कहां पर इसमें समीकरण नंबर 3। देखो इसमें समीकरण नंबर 3 में रख देंगे हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे इसमें समीकरण नंबर 3 में अब लिखेंगे समीकरण नंबर 3 से क्या लिखेंगे समीकरण 3 से यानी x का मान y का मान समीकरण 3 में रखने पर ऐसा लिख देंगे। तो देखो इसमें x बराबर 6 माइनस कितना था बेटा 3y कितना था x बराबर 6 माइनस 3y का 3 से समीकरण आपका। तो देखो x बराबर हम क्या करेंगे बेटा 6 यहां पर क्यों माइनस 3 अब 3y का बेटा मतलब होता है 3 मल्टीपल y। अब देखो y का मान कितना है 0 तो यहां किसका गुणा हो जाएगा 0 का। अब x बराबर हम लिखेंगे बेटा 6 3 मल्टीपल 0 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 0 यदि किसी संख्या का 0 में गुणा करें या 0 का किसी संख्या में तो 0 ही आता है तो यहां पर बेटा कितना है x बराबर 6 में से 0 घटाएं 6 ही बचेगा। तो देखो स्टूडेंट क्या आया x बराबर 6 आया और y बराबर 0 यानी x का मान 6 है y का मान क्या है 0 है।